you have a molecule like that. How many stereogenic centers are there in this molecule? Three. Eight. और कुछ किसी का? नहीं. सबका तीन आ रहा ना? सर दो दो दो. अरे. अब दो होगा. अरे अभी दो हो गया. दो क्यों? तीन हो गया. अच्छा तीन हो गया. चलो बता दे रहा ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर साइकिल. वेरी गुड. ये वाला? यस सर. यस सर. ये वाला? यस सर. क्यों यस? अंजु बाबू क्यों यस? तो यहाँ नहीं देख रहा है कार्बन के साथ दो ग्रुप सेम है. हाँ सर नहीं होगा. इवन इट इज ऑड क्यूमिलीन बट नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर. कारण यहाँ दोनों एटम सेम है. ठीक है. तो स्टीरियोजेनिक सेंटर का नंबर हो गया दो. ठीक. चलिए बस आप समझ गए हैं. हम लोग काम आगे बढ़ाते हैं. टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं. एक काम है दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर. प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स. ग्रुप्स का प्रायोरिटी ऑर्डर. किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हायर दी मोलर मास. मोलर मास छोड़ देते हैं. हायर दी एटॉमिक मास. हायर दी एटॉमिक मास ऑफ एटम विच इज अटैच्ड विथ which is attached with bond C, double bond C, which is attached with bond C, double bond C, higher will be its priority. कोई भी particular atom जो C double bond C के carbon से directly जुड़ा है. कोई भी पर्टिकुलर एटम जो सी डबल बॉन्ड सी के कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, याद रखना उसका एटॉमिक मास जितना ज्यादा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर उतना ही ऊपर होगा, ज्यादा होगा. कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास ऐसा कार्बन है और यहां पे सीएल है, यहां पे एच है, यहां पे फ्लोरीन है और यहां पे मान लो ब्रोमीन है, तो देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन में इसका मोलर मास ज्यादा है, तो ये प्रायोरिटी हाई है, ये प्रायोरिटी लो है. उसी तरह फ्लोरीन और ब्रोमीन इसका मोलर मास ज्यादा है तो ये हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी. क्या आप समझ पा रहे हैं? दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे CH3 लिखे तो CH3 का मतलब है कार्बन जुड़ेगा और 3H उसके बाद आएगा. और फिर हम यहां OH लिखे, फिर हम यहां Cl लिख दिए और हम यहां पे लिख दिए हैं C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड H कार्बोक्सिलिक एसिड. अब यहां पे जब प्रायोरिटी ऑर्डर का आप डिसीजन लेंगे तो यहां पे देखिए इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन, इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा है ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन पे सोचना, आगे मत सोचना किसका मोलर मास ज्यादा. ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हो गया वन और कार्बन हो गया टू. अब यहां कार्बन से सीएल जुड़ा है, कार्बन से कार्बन जुड़ा, आगे मत सोचिए. कार्बन से कार्बन, कार्बन से सीएल, कौन हायर? क्लोरीन हायर. ठीक है, थोड़ा और इसको ट्विस्ट करते हैं. यहां पे लिख दो CH3 और यहां लिख दो C2H5, यहां लिख दो CHO और यहां लिख दो COOH.
अब आप पहले एटम से डिस्कशन नहीं कर सकते, तो आपका तरीका है कि आप है ना थोड़ा इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लें। यहां कार्बन है, बाद में तीन हाइड्रोजन है, यहां कार्बन है दो हाइड्रोजन, और फिर कार्बन और तीन हाइड्रोजन, यहां कार्बन है डबल बॉन्ड ओ और एच, यहां कार्बन है डबल बॉन्ड ओ और ओ के साथ एच, ये रहा। तो जरा गौर करो समझू, पहला एटम यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, आंसर नहीं आएगा। उसके बाद इस कार्बन से अटैच है दो हाइड्रोजन, तो इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन अगला इसमें हाइड्रोजन है और इसमें अगला कार्बन है, सो दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। समझा क्या सबको? तो राइट वाला बताना कौन हायर है, एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड वन है और ये टू है। थोड़ा और ट्विस्ट, सी डबल बॉन्ड सी, सी एच ओ सी एन, सी एच ओ सी एन, और यहां पे क्या है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहां है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पे डिसाइड करना है। तो जब हम लोग सी एच ओ लेंगे ना एल्डिहाइड, तो यहां सी के साथ डबल बॉन्ड ओ और एच है, और यहां सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड में एन है, यहां सी एच है और फिर डबल बॉन्ड में सी एच टू है, और यहां सी है ट्रिपल बॉन्ड में सी एच है, ठीक है। अब जरा सोचो सी और सी बैलेंस, लेकिन अगला ऑक्सीजन है, अगला नाइट्रोजन है, कौन सी गेयर? ऑक्सीजन ना, तो वन ये टू हो गया। अब यहां देखो, यहां कार्बन कार्बन सेम, आगे डबल बॉन्ड सी है, यहां ट्रिपल बॉन्ड सी है, कौन सी गेयर? देख हम जान रहे, देख क्या हो रहा है, जब आप डबल बॉन्ड सी करते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सी से दो सी जुड़ा है, और जब आप ट्रिपल बॉन्ड सी करते हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सी से तीन सी जुड़ा है। अब देखो यहां दो सी है और एक एच है, और यहां तीन सी है, तो ये सी नियम हुआ। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इस कार्बन से तीन कार्बन जुड़ा है, और यहां डबल बॉन्ड का मतलब इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा है। प्रायोरिटी ऑर्डर का डिसीजन ऐसे ही लिया जाता है, पहला एटम से काम हो गया तो हो गया, अगर पहले एटम से काम नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा चौथा जो आइटम रहेगा उसको लेके चलना है, ठीक है। सो प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी डिसाइडेड इन दिस वे, प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या हम प्रायोरिटी ऑर्डर एक लिख रहे हैं, थोड़ा देखना तो समझना, क्या मेरे प्रायोरिटी ऑर्डर में सपोज एक ग्राफ इसके डालते सी एल बड़ा होगा, उससे छोटा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में ओ एच, उससे छोटा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में एन एच टू, इससे छोटा होगा प्रायोरिटी ऑर्डर में सी ओ ओ एच, इससे छोटा होगा सी एच ओ, क्या बोलता, समझ में आ रहा? पहला आइटम, पहला आइटम क्लोरीन सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम कार्बन वाला। तो पहला आइटम पे सोचना, अगर पहला आइटम पे आंसर आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर सेकंड सोचना है, तब थर्ड सोचना है। पहला आइटम पे आंसर आ गया, काम खत्म, ठीक है। नोट करो थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं, इसका यूज क्या है वो देखते। तो OH के बाद NH2 लिखे, नहीं दिख रहा है क्या इधर? क्या जी? सर एग्जांपल में जो ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, यही ना, देख पहले एच क्यों लेंगे? अच्छा मान ले, ले लेते, तो एक एच है और दो को कार्बन हो गया, तीन को कार्बन है, अब बोल। कहां पर? वहां पर मतलब कहां पर? यहां ना कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, वही तो बोल रहे,
हम बोल रहे प्रायोरिटी ऑर्डर का डिसीजन कैसे लेगा। अच्छा हम तुमसे बोल दें कि देखो जी सी डबल बॉन्ड सी है और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, अब बोलो कौन हायर प्रायोरिटी। बस हम यही बता रहे कि तुम यहां मान सकता है कि इस कार्बन से तीन कार्बन है और यहां मान सकता है कि इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ा, यही हम बता रहे, समझा। If all four groups attached with are different, then अगर हम लोगों के पास ये जो एक्टिन वाला साइड दिख रहा है इसका चारों ग्रुप अलग अलग हो, चारों ग्रुप अलग हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, हम लोगों को यहां डिस्कस करना पड़ता है कि यहां पे जो दो ग्रुप है उसका प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। आप प्रायोरिटी वन और टू लिख दिए, यहां पे प्रायोरिटी मान लो वन और टू आ गया। इसी तरह इसका दूसरा फॉर्मेट हो सकता है कि जो मेरे पास चारों ग्रुप है सबका अपने अपने जगह पे प्रायोरिटी लिखे, वन के साथ यहां टू है और फिर मान लो इधर वन और इधर टू है। अगर सेम प्रायोरिटी का ग्रुप एक साइड हुआ तो ये जेड आइसोमर है, मतलब जेड को आप मान सकते हैं सीस की तरह, और अगर अपोजिट में हुआ तो वो ई आइसोमर है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं ट्रांस की तरह, जेड आइसोमर एंड ई आइसोमर। जैसे आप एग्जांपल देखो, अगर हम तुमसे बोल रहे कि सी डबल बॉन्ड सी है, यहां पे CH3 है, यहां पे H है, यहां C2H5 है और यहां OH है, चलो बताओ जरा ये E कॉन्फ़िगरेशन है या Z कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हारा काम है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, वन टू इधर बोलो नीचे ना वन, तो ये कौन सा आइसोमर है, E आइसोमर। दूसरा देखो अगला एग्जांपल, COH, CHO, OH and CL, बोलो कौन बंद, CL बंद, ये OH2, ये बंद, ये 2, अब वन वन अपोजिट में है, सो इट इज E, वन वन अपोजिट, E आइसोमर, E आइसोमर। कोई भी ग्रुप्स उठा लीजिए, कुछ भी जो उठाना उठा लीजिए, मान लीजिए जैसे ये एक यहां सी एच डबल बॉन्ड सी सी एल बी आर, अब बोलो इन दोनों में वन कौन, साइकिल या हाइड्रोजन, कौन वन, ऑब्वियसली साइकिल वन हाइड्रोजन टू, और यहां कौन नीचे वन और यहां टू, फिर वन वन अपोजिट में आ गया मान लो, तो ये हम लोगों के पास ई कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब आप इसी तरह से डिसीजन ले लें, ठीक है। नाउ आप थोड़ा इससे आगे बढ़ो, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तुमसे ये पूछा जाता है कि फॉर सी टू एफ सी एल बी आर आई, एफ सी एल बी आर आई मॉलिक्यूल हाउ मेनी जी आई विल एग्जिस्ट, इसका कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगा वो बताना है। क्या आप एफ टू सी टू एफ सी एल बी आर आई का स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? Yes, sir. ये एफ है, ये सी एल है, ये बी आर है और ये आई है, ठीक है। देखो इसको बनाने का तरीका, आप सी एल को वन कह दिए, एफ टू हो गया, फिर यहां पे ये वन हो गया और ये टू हो गया, ठीक है। तभी ये कौन सा फॉर्म, Z फॉर्म, Z है ना। Yes, sir. अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, देखो समझने का तरीका, इस फ्लोरीन को हमेशा अपने जगह पे रखो, छह आइसोमर बनता है, कैसे बनता हम सिखा रहे। इसी का दूसरा पेयर देखिए, लेफ्ट वाले में कोई बदलाव ना करें,
एफ को ऊपर सीएल को नीचे रखे, लेकिन राइट वाले को बदल दें, आई ऊपर और बी आर नीचे, तो अगर ये जेड था तो क्या ये ई बन गया? अब देख दो हो गया, अब तीसरा पे एफ को वैसे ही रखो, सीएल के जगह पे बी आर लाओ और सीएल और आई करो, तो क्या बोलता है ये वन ये टू हो गया, ये वन ये टू हो गया, तो फिर से ये जेड हुआ। वापस वापस लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही छोड़ दो, मतलब एफ और बी आर को वैसे ही छोड़ दो, आई को ऊपर और सीएल को नीचे करो, तो क्या ये ई हो गया? समझ पा रहे आप लोग? बता अगला में क्या करें? एफ को फिर से वैसे ही छोड़ दें, आयोडीन को ले आए, इधर सीएल और बी आर, तो एफ हो गया टू और आयोडीन हो गया वन, यहां नीचे वन ऊपर टू हो गया, ये जेड आई सुमत, और फिर से लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही छोड़ दो एफ और आई को, और राइटर वाले को बदल दो बी आर और सी एल, हो गया ये ई आई सो मच। तो जब भी इस तरह का तुमको दिखेगा कि कार्बन के पास चारों ग्रुप अलग है, चारों ग्रुप अलग है, याद रखना सिक्स आइसोमर्स जी आई का पॉसिबल है, याद रखिएगा। इन सब में छह छह बन, सब में छह छह बन सकता है, कभी भी अगर चारों ग्रुप अलग हुआ तो हमेशा ध्यान रखना कि उसका छह आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है? नोट करो भैया, देखो सुन, जी आई इन केस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर है ना, हम लोग जीआई का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक चीज समझाते हैं, एक रिएक्शन हम समझाते हैं। 12 में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, एल्डिहाइड को अगर आप नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट कराएंगे, मान लीजिए यहां पे एक ग्रुप है जी, ठीक है, तो होता क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। तो याद रखिएगा इधर एक लोन पेयर है, तो जरूर थोड़ी ना ऐसे ही बने, हमेशा ध्यान रखना कि जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन सॉरी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वन होता है और ये ग्रुप टू होगा, बाकी इधर तो डिसीजन लेंगे कि क्या है, लोन पेयर वन होता है और जो भी ग्रुप रहेगा वो टू होता है, लोन पेयर का हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, ठीक है, और जो ग्रुप अटैच होगा उसका सेकेंड प्रायोरिटी होगा नाइट्रोजन के साथ, और इधर कौन होगा वन और टू वो डिपेंड करेगा कि कौन अटैच्ड है। अगर इसमें ऐसा हो, नाउ अगर इसमें ऐसा हो कि चल भाई इधर वन है और इधर वन आ जाए, तो इसको हम लोग सीन आइसोमर कहते हैं, और अगर कुछ ऐसा हो ये वन है और ये वन इधर है उल्टा, इसको हम लोग एंटी फॉर्म कहते हैं, सीन और एंटी, ठीक है, सीन और एंटी। सर थोड़ा कुछ एग्जांपल, बिल्कुल देखो जरा ध्यान से, अगर तुम्हारे सामने ये लिखे सी एच थ्री बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच एंपियर, तो देखो भाई ये वन है, ये वन है ना, ये टू है, ये टू है, तो ये एंटी फॉर्म, ठीक है। अभी देखो जरा अगला सी एच थ्री बॉन्ड सी सी टू एच फाइव डबल बॉन्ड एन, एक तरफ डाल दिए एच और एक तरफ डाल दिए ग्रुप्स, तो ये वन है, ये वन है ना, ये टू है, ये टू है,
तो ये कौन हो गया सिंफॉन। ठीक है, एक से एक मॉलिक्यूल है और इसमें जो सबसे फेमस आइसोमर है वो है ऑक्साइन फॉर्म। ऑक्साइन फॉर्म, ऑक्साइन फॉर्म किसको कहते हैं, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH होगा, भाई ध्यान रखना OH होगा, इसको ऑक्साइन कहते हैं, इसका कॉमन नेम ऑक्साइन। बाकी ये ग्रुप के जगह क्या क्या हो सकता है हम तुमको आइडिया दे देते हैं, वहां जी के जगह एच हो सकता है, वहां जी के जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, फिनाइल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुल मिला के 6-7 ग्रुप उसके जगह हो सकता है, लेकिन जो सबसे फेमस है वो ऑक्साइन फॉर्म है। क्लियर है, अभी देखो, देखो समझो, मान लो हम तुमसे ये कहें कि अगर हम लोगों के पास CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 है और इसका रिएक्शन कराना है, इसका रिएक्शन कराना है H2N बॉन्ड NH2 के साथ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, व्हाट इज योर आंसर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर टू, कारण कारण ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ हट गया, अब जो मेरे पास बचा वो हो गया CH3 बॉन्ड C2H5 डबल बॉन्ड N, एक जगह चला गया भाई NH2 ऊपर और ये रहा लोन पे, तो ये वन है और ये वन है, तो ये हम लोगों का हो गया सिंफ फॉर्म, क्या सही है, तो प्लस हम लोग इसका उल्टा भी तो बना सकते हैं ना, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहां पे C2H5 ऊपर में चला जाए और नीचे में रह जाए NH2। अब देखो ये वन ये वन ये टू ये टू, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया एंटी फॉर्म। स्टूडेंट आंसर देने में आइसोमेरिज्म को भूलता है, बहुत बार आइसोमर भूल जाता है, उसको लगता है कि हाँ ठीक है रिएक्शन हुआ एक प्रोडक्ट बन गया, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो जी आइसो कर सकता है। अभी देख इस क्वेश्चन का आंसर है टू, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना टू, लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, बोलो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, बोलो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, सर वन होगा, वन होगा क्योंकि यहां पे इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप सेम है, सो जीआई पॉसिबल नहीं है, वन वन प्रोडक्ट, केवल एक प्रोडक्ट, अंतर समझ में आ रहा क्वेश्चन क्वेश्चन पे, ठीक है तो सोचना है समझना है, नोट करो इतना फिर और आगे बढ़ते हैं। किसको बता दें, ऑक्साइन, ऑक्साइन क्या बता दें उसे, बोलो ऑक्साइन है ना इस तरह के कंपाउंड पे, जब आप एल्डिहाइड पढ़िएगा ना तो इतना, हम तो उसका जीआई आज पढ़ा रहे हैं ना, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म चलता है, ये जी के जगह पे 6 अलग अलग ग्रुप्स होता है, जी के जगह एच हो सकता है, जी के जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जी के जगह OH आता है, जब जी के जगह OH आता है तो उसका कॉमन नेम ऑक्साइन हो जाता है, अगर जी के जगह अगर CH3 रहता, मान लो अल्काइल ग्रुप रहता, तो उसका नाम होता है स्किफ बेस, अल्काइल इमीन्स उसका नाम होता है स्किफ बेस, लेकिन वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट GI में नहीं है, जबकि सब GI शो करेगा, तो उस दिन जब पढ़ाएंगे तो हम इसमें डिटेल जाएंगे। अभी ऑक्साइन एक कॉमन नेम है इस तरह के मॉलिक्यूल का जिसमें N के साथ OH होगा और लोन पेयर होगा, तो इसका कॉमन नेम ऑक्साइन, ठीक है okay, चलो जी इसी में नाइट्रोजन का एक और है एजो कंपाउंड्स, एजो एजो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स वो जिसमें दो नाइट्रोजन अपने साथ है ना ऐसे बंधा है, दोनों लोन पेयर एक तरफ, दोनों लोन पेयर एक तरफ तो सीन, और दोनों लोन पेयर अपोजिट में तो एंटी, आसान ना, कोई दिक्कत आए नहीं, लोन पेयर है मतलब वन वन है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करना इसी के हिसाब से सोच लेगा। मान लो हम लिख देते हैं कि भाई सी एस थ्री है, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है और यहाँ पे सी एस थ्री है, और कुछ दिखाए भी नहीं, नहीं दिखाए तो भी अगर मन की आंखों से इसको देख लेना और इसके आइसोमर में आप बोल देना है कि हाँ ये सीन फॉर्म है, ठीक है। और अगर हम लोग इसी में हम लोग अपोजिट में बना दें तो मन की आंखों से इसको देख लेना फिर से और इसको कह देना कि हाँ ये एंटी फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड इस तरह से बनता है, एजो कंपाउंड इस तरह से बनता है, जरा देख के बताना। हाउ मेनी कंपाउंड आर पॉसिबल फॉर दिस स्ट्रक्चर? दो, बिल्कुल सही। अगर ये दोनों फिनाइल, इसका सीन भी पॉसिबल है और इसका एंटी भी पॉसिबल है, सही ना? ठीक है, चलो ठीक, नोट करो इतना। अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में n नंबर है स्टीरियोजेनिक सेंटर का, अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में n नंबर है स्टीरियोजेनिक सेंटर का तो उसमें कितना जीआई पॉसिबल हो सकता है, कितना जीआई पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहला, इफ मॉलिक्यूल हैव असिमेट्रिक एंड्स, मतलब जो सिमेट्रिकल ना हो, ठीक है, सिमेट्रिकल ना हो, कहने का मतलब देखो इसको समझो, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, क्या ये सिमेट्रिकल है? हाँ भाई ये सिमेट्रिकल दोनों ही साइड जैसा, लेकिन जब हम लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5 तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिक है। क्या तुमको अंतर समझ में आया दोनों दोनों में? ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये चीज यहां काम आएगी, ये नहीं, यहां भी नहीं, वो पढ़ लो। तो ऐसे केस में याद रखना कि नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2n। अगर उसके पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, तो दो आइसोमर है सीस ट्रांस। अगर उसके पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो चार आइसोमर है। कब चार है? जब असिमेट्रिक है तब चार है। तो सर सिमेट्री में क्या होता है? इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है मतलब कुछ ऐसा है इन सिमेट्री में दिख रहा है कि हाँ सिमेट्री को ये फॉलो कर रहा है, सिमेट्री वर्ड समझ रहे हैं ना? तो इसमें भी दो चीज खेल होता है। इफ एन इज ऑड, अगर एन ऑड है देन नंबर ऑफ जी आई विल बी इक्वल टू 2n-1 + 2n-1/2। अगर तुम्हारा एन ऑड है तो ये होगा, एंड इफ एन इज इवन, और अगर एन इवन है देन नंबर ऑफ जी आई विल बी इक्वल टू 2n-1 + 2n/2-1। दोनों में अंतर पता चल रहा है, यहां एन माइनस वन बाई टू है और यहां एन बाई टू माइनस वन है, ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल देखो, लेफ्ट वाला हो गया ना, सबका हो गया, CH3 bond CH double bond CH bond CH double bond CH bond CH double bond CH bond C2H5।
वन है या टू का ए है या टू का बी है, मतलब वन कॉन्सेप्ट से बनेगा, टू का ए से बनेगा कि टू का बी से बनेगा? मतलब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल, पहले ऐसे समझ लो, असिमेट्रिक है कि सिमेट्रिक है? बात खत्म। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, दूसरा स्टीरियोजेनिक सेंटर, तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर, समझ जा रहा? नंबर ऑफ जी आई एस 8 हो गया आंसर। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगला एग्जांपल देखिए, हाँ बोलो जी। वन या टू का ए टू का बी किसे बनेगा? टू का ए, एक तो सिमेट्रिक है, देख यहां भी सी एस थ्री है, यहां भी सी एस थ्री है, और ये सिमेट्री में, सही ना? और साथ में इसके पास एक दो तीन, तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक तो सिमेट्रिक है और तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो टू का ए। सो इस केस में नंबर ऑफ जी आई विल बी इक्वल टू टू पे पावर थ्री माइनस वन प्लस टू पे पावर थ्री माइनस वन बाई टू। सो ये टू टू फोर हुआ और प्लस टू सिक्स। क्या समझ में आया? देख इसमें भी तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर है बट आंसर इज 8, इसमें भी तीन स्टीरियोजेनिक सेंटर बट योर आंसर इज 6। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ट्रायंगल है ना? बोलो हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स? कंफर्म ना? एक है और ये रिंग है या नहीं? है। अब बोलो सिमेट्रिक या असिमेट्रिक? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो क्या ये टू के ए से बनेगा? टू का ए से? यस सर। ठीक है, सो नंबर ऑफ जी आई टू पे पावर एन माइनस वन थ्री माइनस वन प्लस टू पे पावर एन माइनस वन बाई टू। सो योर आंसर इज 6। क्या पता चल रहा है कि कैसे हम लोग जीआई का नंबर डिसाइड करते हैं? चलो एक दो और कर लेना है, पहले इतना नोट करो फिर और आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अपने से निकाल लो, बोलने का जरूरत नहीं, अपने से बनाओ, कोई इशू नहीं। ठीक है, हम अगला लिखते हैं। कितना
ठीक है, बाकी सबका भी आने दो, सबका बनने दो। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है उसके साथ दो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर H2N बॉन्ड OH है, एक्सेस में है, मतलब ये इससे और इससे दोनों से जुड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है। ट्वेंटी कौन फॉर्मूला बोले जी फटाफट। फर्स्ट का 32 32 और सेकंड का? सेकंड का सिक्स आ गया। यस सर। कैसे लाया सिक्स? सर एक्सेस में है तो दोनों जो H2 है उसके लिए लोग क्या आएगा, नाइट्रोजन और OH, डॉक्टर का ऑक्सीजन टाइम बनेगा दो तो स्टीरियो सेंटर वहां मिला और एक सेंटर मतलब साइकिल पे। बिल्कुल सही। सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला। सही बिल्कुल। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? क्या ये है? ये है और ये है क्या? ये इसको क्या नाम देगा तुम लोग? सही है, ऑड क्यूबिलिन। ऑड क्यूबिलिन है ना? ठीक है। अब बताइए साइकिल है? है। तो हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर्स? पांच। स्टीरियोजेनिक सेंटर जिसको आप पेन कह रहे हैं दैट इज 5। और सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है? असिमेट्रिकल है। तो नंबर ऑफ जी आई 2n, सो 2n 5 32 ना? यस सर। ठीक है। अब इस केस में बिल्कुल सही बता रहा है, एकदम सही बता रहा है। यहां का ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन के साथ और इसी तरह ये नाइट्रोजन के साथ बाहर, तो ये बन गया हम लोग का CH डबल बॉन्ड N OH और यहां लोन पेयर। उसी तरह यहां बन गया CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH और लोन पेयर, मॉलिक्यूल बन गया। ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है और ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और एन का नंबर 3 मतलब ऑड। सिमेट्रिकल और एन का नंबर 3 मतलब ऑड। तो नंबर ऑफ जी आई विल बी, हम लोग देख चुके ना, 2n 3-1 प्लस 2n 3-1 बाई 2, सो इज आंसर इज 6। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये सब था तुम्हारा एक साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, छोटा बड़ा, इफ बट, नाइट्रोजन कार्बन साइकिल सब एक एक करके आ गया सामने है। कहीं कोई डाउट? हाँ, अब जीआई में कुछ पिछले दिन पूछ रहा था कि सर कितना बनेगा, यही अंशु था ना? Yes, कितना बनेगा सर? अभी समझ आ रहा सर कितना बनेगा सर? ठीक yes, है, तो बस समय दिया जाए। चलिए नोट कीजिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कुछ स्टार्ट करेंगे बताना। फर्स्ट टर्म इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको पीपीएल लिखते हैं। केमिस्ट्री से इसको मतलब नहीं, फिजिक्स का सेक्शन है, बट आप समझिए। लाइट जब चलता है तो लाइट के वेलोसिटी के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है, सही है ना? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। लेकिन लाइट का जो ऑप्टिकल इफेक्ट है, जिससे मतलब आप किसी चीज को लाइट में देख पाते, ये उसका ऑप्टिकल इफेक्ट है। इसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड काम आता है, मैग्नेटिक फील्ड का इसमें कोई रोल नहीं होता। तो अभी जो आप सुन रहे हैं, अभी जो हम बोलेंगे, वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड फेनोमेनन है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है,
तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि कोई भी लाइट अगर किसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसे कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर अगर लाइट इधर चल रहा है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, बस उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको दिखाने का, इसको दिखाने का एक और तरीका है कि आप मान लीजिए कि ये डॉट वाला जो है वो लाइट के वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर, तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। आप इसी को शॉर्टकट में, जरूरी नहीं है कि इतना हमेशा बनाए, आप इसी को शॉर्टकट में केवल दो लाइन से भी दिखा सकते हैं कि हाँ जी सर देखिए ये रहा लाइट के प्रोपगेशन का वेलोसिटी डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इन सबको कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, या फिर इसी का दूसरा नाम है रैंडमली पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज लाइट बोलो या रैंडमली पोलराइज लाइट बोलो। अब इससे आगे एक खास तरह का क्रिस्टल होता है, तुम्हारे घर में भी होगा, आपके पास अगर वीडियो गेम, कैलकुलेटर, इन सब का अगर स्क्रीन है तो वह एक खास तरह का मटेरियल का होता है, उसको हम लोग कहते हैं पोलराइड्स, पोलराइड्स। उस पोलराइड का एक एक बोलो कि उस पोलराइड का एक एडवांटेज ये होता है कि उसमें एक खास तरह का प्लेन होता है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है। मान लो जैसे आपके पास ये कोई एक पोलराइड है, पोलराइड, पोलराइड, हर एक पोलराइड में एक खास तरह का प्लेन होता है, एक खास तरह का प्लेन होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, आप मत सोचिएगा कि वहां आपको दिखेगा, ये प्लेन कहलाता है प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन, प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन। इसका काम क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर लाइट को इससे गिराते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर लाइट को पोलराइड पे गिराते हैं तो लाइट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट हो सकता है क्योंकि वह है अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन जब लाइट दूसरे साइड से बाहर निकलेगा, जब लाइट दूसरे साइड से बाहर निकलेगा तो उन सारे पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड में से केवल वही कंपोनेंट इसको पार कर पाएगा जो इसके साथ पैरेलल है। मतलब इस प्लेन के साथ ये वाला पैरेलल है तो केवल वही कंपोनेंट इसको पार करेगा, बाकी सारा चीज इस पोलराइड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी सारा कंपोनेंट इस पोलराइड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इसको पार करेगा जो इसके साथ प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के साथ पैरेलल है, और इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या आप समझे कैसे अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब आप फिजिक्स पढ़िएगा तो इसमें और भी मतलब पूरा एक क्लास खत्म हो जाता है, लेकिन हमको उससे मतलब अब नहीं है। आप समझ गए प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो होता है लाइट इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेट इन सर्टेन प्लेन। एक ऐसा लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब वो केवल इधर ही वाइब्रेट कर सकता है और किधर भी नहीं, केवल इधर ही वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब जब बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, कैसा ही है ना।
यहाँ नीचे बॉक्स है, इसके दूसरे इंड से निकला तो पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो भी था वो घूम गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो राइट की तरफ घूम गया है और लेफ्ट की तरफ घूम गया है, वो नहीं है जो पहले था। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह घूम रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है या ऐसे कर रहा है, मतलब इस लाइन पे नहीं। ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस, ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट कर देता है, रोटेशन टुवर्ड्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड विच कैन रोटेट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आपके पास पहला वर्ड आ गया ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिससे अगर प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से या तो राइट या लेफ्ट की तरफ रोटेट कर जाए। पहले अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहा था तो बाद में ऐसे होगा या इधर होगा। अब राइट घूमेगा तो उसका नाम है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट घूमेगा तो उसका नाम है लिबो रोटेटरी, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग ये सीख रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रोटेट कर देता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज। ठीक है, तो ये रहा आज का बेस, नोट कर लो इसको, नेक्स्ट इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले दिन नोट कर बढ़िया।